यहां पर आज विधानसभा में आरक्षण बिल पेश हो सकता है और इसके साथ ही विधानसभा में सूखे पर भी चर्चा हो सकती है। आज सत्र का आखिरी दिन है और वहीं विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही सोमवार को भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेसी विधायकों ने बिगड़ते कानून व्यवस्था और बढ़ते भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर हंगामा भी शुरू कर दिया है। हंगामे के बीच मुकदमेबाजी निवारण और पुलिस संशोधन विधेयक पारित किया गया। वहीं सूबे में हुए खान घूसकांड का शोर भी सदन में देखने को मिला है। कांग्रेस राजपा और जमींदारा पार्टी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अब खान का मामला आया है, जिस खान के मामले में राजनेताओं, अफसरों और उनके रिश्तेदारों ने जिस ढंग से बंदरबांट किए और वो मीडिया में छाया हुआ है, वो एक साधारण बंदरबांट नहीं है, साधारण घोटाला नहीं है। धरती के धन को लूटा गया है और लूटा गया उभय पक्ष द्वारा, पूर्ववर्ती सरकार में भी लूटा गया। इसलिए पारदर्शी नीति, खनन नीति बननी चाहिए और इस खान घोटाले की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। राजस्थान विधानसभा सदन में सोमवार को भारी हंगामे के बीच में तीन महत्वपूर्ण विधेयक ध्वनिमत से पारित करवा लिए गए और इनमें कारागार यानी कि राजस्थान संशोधन विधेयक 2015, राजस्थान तंग करने वाले मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 और राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015 शामिल है। कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 और पुलिस संशोधन विधेयक 2015 को गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने सदन में रखा। वहीं मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 को विधि एवं विधिक कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने पारित करने का भी प्रस्ताव रखा। ये तीनों विधेयक ध्वनि मत से पारित करवा लिए गए हैं। आज विधानसभा के अंदर तीन अति महत्वपूर्ण विधेयकों को सत्ता पक्ष ने रखा। उम्मीद की जा रही थी कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर प्रतिपक्ष के लोग बहस में हिस्सा लेकर अपने विचार रखते, मुद्दा वहीन प्रतिपक्ष ने वही अपनी पूरी परंपरा निभाई और शोरगुल के अंदर विधेयक पारित हुए। एक तरफ तो हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही नहीं चल पा रही है तो वहीं पर दूसरी तरफ अशोक चांदना अपने मोबाइल से सेल्फी खेल रहे थे। सोमवार को सदन में जब विपक्षी विधायकों का हंगामा चल रहा था तब कांग्रेस विधायक अशोक चांदना मोबाइल से सेल्फी खींचने में मशगूल थे। सदन में चांदना को सेल्फी लेते देख विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र ने सख्त रुख अपनाते हुए चांदना को सदन के भीतर सेल्फी न लेने की हिदायत देते हुए सदन की गरिमा के विपरीत बताया। उपाध्यक्ष के चेतावनी के बाद चांदना ने मोबाइल जेब में वापस रख लिया। वही विधानसभा से बाहर निकले अशोक चांदना ने सेल्फी लेने से इनकार करते हुए कहा कि वो सेल्फी नहीं ले रहे थे बल्कि सदन में गृह मंत्री सो रहे थे, उनका वीडियो बना रहे थे। नहीं ले रहा था, राजस्थान की विधानसभा के अंदर जिस प्रकार गृह मंत्री सो रहे थे मैंने उनकी वीडियो बनाई कि जिस प्रकार राजस्थान के गृह मंत्री सदन के अंदर सो रहे हैं उसी प्रकार राजस्थान का गृह मंत्रालय और इस राजस्थान प्रदेश की पुलिस इस पूरे राजस्थान में सो रही है। विधानसभा में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की फरारी के मामले की गूंज भी सुनाई दी। पुलिस संशोधन विधेयक और कारागार संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान निर्दलीय विधायक मानिक चंद सुराड़ा ने आनंदपाल की फरारी का मामला उठाया और इसकी जांच के लिए हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में आयोग बनाने की मांग की। सुराला ने सदन में पूछा कि आनंदपाल की फरारी में पुलिस वालों की मिलीभगत है लेकिन अब तक पुलिस आनंदपाल को नहीं ढूंढ पाई। हालांकि इसके जवाब में गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने दावा किया है कि इस मामले में 60 दिन में नतीजे सामने आएंगे। गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस आनंदपाल को ढूंढ रही है और जो भी पुलिसकर्मी अब तक दोषी पाए गए हैं उन पर कार्रवाई हो गई है। प्रदेश में पीपीपी मोड पर बनने वाली सड़कों का काम भले ही अब तक शुरू नहीं हो सका हो लेकिन इनमें से कुछ सड़कों का काम नवरात्र में शुरू हो जाएगा। खासतौर पर वो सड़कें जिनके लिए आर्थिक दृष्टि से वायबल नहीं है और इनके लिए सरकार एडीबी वर्ल्ड बैंक का जायका से लोन भी ले रही है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने बताया कि सिलसिले में पिछले दिनों एडीबी और वर्ल्ड बैंक की टीम राजस्थान के दौरे पर है और वे यहां इन इलाकों का दौरा कर रही है जहां सार्वजनिक निर्माण विभाग को पीपीपी मोड पर सड़क बनानी है। ये टीम आगामी 23 सितंबर को सीएम वसुंधरा राजे के साथ बैठक करेगी जिसमें संभवतः सूबे में सड़क निर्माण के लिए 3 करोड़ की लोन राशि जारी करने की स्वीकृति मिल जाए। सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने बताया कि इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जयपुर आएंगे। उन्होंने
3000 करोड़ के ऋण की स्वीकृति जारी की है, उसमें से उम्मीद यह है कि इसी सप्ताह, जैसा कि मैंने कहा 1072 किलोमीटर और 1899 करोड़ रुपए की लागत की सड़कों की हमें स्वीकृति मिल जाएगी इसी सप्ताह, तो एक हमारे लिए स्टेट के लिए ये बड़ी बात। प्रदेश में आगामी सहकारिता चुनाव के मद्देनजर पीसीसी चीफ सचिन पायलट की तरफ से गठित 5 सदस्यीय कमेटी की बैठक जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई है। बैठक की अध्यक्षता पूर्व सहकारिता मंत्री परसादी लाल मीणा ने की और इस कमेटी का काम चुनाव में निगरानी और समन्वय करने का है। कांग्रेस की आशंका है कि कई जगह बीजेपी की तरफ से बोर्ड्स को समय से पहले ही भंग करने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो वह कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। आगामी समय सहकारिता चुनाव इस क्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें परसादी लाल जी मीणा जो पूर्व सहकारिता मंत्री उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। अब इस कमेटी का मुख्य काम यह है कि जहां जहां ये चुनाव है उसकी निगरानी समन्वय करने के साथ साथ हमें ये भी ज्ञात हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी जगहों पर बोर्डों को भी भंग करना चाहती है जिनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे में कुछ प्रकरण न्यायालय में भी लंबित है और जहां पर ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो उनकी न्यायिक रूप से उसको संरक्षा भी दी जा सके। सारे कामों की मॉनिटरिंग करने के साथ साथ चुनावों का समन्वय का काम भी ये देखेंगे। खबर उदयपुर से है, जहां पर खान विभाग में घूसखांड में पकड़े गए प्रमुख शासन सचिव अशोक सिंघवी और खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत समेत सभी 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और बाकी 5 आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। कोर्ट ने माइंस मालिक शेर खान और बिचौलिया धीरेन्द्र सीए श्याम सुंदर सिंघवी को न्यायिक हिरासत में भेजा है और बाकी सभी 5 आरोपियों प्रमुख शासन सचिव अशोक सिंघवी, खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत, पुष्कर राज आमिटा, संजय सेठी और राशिद खान को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। उदयपुर द्वारा आज मूल्यमान को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में एसीबी उदयपुर में पेश किया गया और मूल्यमान श्याम सुंदर सिंह की, धीरेन्द्र रूप चिंटू और मोहम्मद शेर खान की जेसी में भेजने की अभिरक्षा न्यायालय से प्रार्थना की और शेष 5 अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में देने की प्रार्थना की। न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष और अनुसंधान अधिकारी और बचाव पक्ष दोनों को सुनकर अभियुक्तगण संजय सेठी, मोहम्मद रशीद, अशोक सिंघी, पंकज गहलोत और पुष्कर रमेटो को 24/9/15 को 11 बजे तक पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया। ख्वाजा साहब की दरगाह में बम होने की झूठी खबर के बाद दरगाह दीवान जेरुअल उबुद्दीन की मांग है कि अब सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के हवाले किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटना हुई है उसके लिए दरगाह कमेटी और जिला प्रशासन दोनों ही दोषी हैं। दरगाह में प्रवेश के समय लगे मेटल डिटेक्टर और सीसीटीवी कैमरे खराब हैं और ऐसे में दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। वहीं इस मामले में अब तक पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। अब इस किस्म की जो बातें आ रही हैं सामने, उससे ये लगता है कि जो सीआईएसएफ है उसको दरगाह को सौंप देना चाहिए और जितना कठोर प्रशासन दरगाह के लिए हो सकता है उसको जो है गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए और चाहे वो कोई भी कास्ट एंड क्रीड का आदमी हो उसको विदाउट चेकिंग के जो है अंदर एंट्रेंस ना दी जाए। प्रदेश में जननी स्वास्थ्य सेवा इस कदर दम तोड़ रही है, इसकी एक तस्वीर भरतपुर में देखने को मिली है, जहां पर महिला का प्रसव सरकारी अस्पताल के बाहर खड़ी गाड़ी में हुआ। प्रसव के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर जमकर हंगामा किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मामला जनाना अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जहां पर रीना नाम की महिला को प्रसव के लिए लाया गया था और परिजनों का आरोप है कि लेबर रूम के कर्मचारियों ने उन्हें रीना को बाहर ले जाने के लिए कहा। रीना की तबीयत बिगड़ गई और उसने अस्पताल के बाहर गाड़ी में बच्चे को जन्म दिया। परिजनों के हंगामे के बाद अस्पताल प्रशासन ने महिला और नवजात को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया। पार्सल गाड़ी से लेके आया था, उसमें 2-3 लेडीज थे घर की परिवार की, तो मैं लेकर आया तो कंडीशन थोड़ी सीरियस थी, तो मैंने गया सीधा गाड़ी रोक के कि किसी को भेजो। डॉक्टर साहब ने कहा कि वहाँ जाओ लेबर रूम में, वहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक है, वहाँ गया, वहाँ से भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, तो सीधा फिर डॉक्टर साहब के पास फिर दोबारा गया मैं। डॉक्टर साहब आप ही भेजोगे, भेजो किसी को, और डॉक्टर साहब बोले तू हमें कानून सिखाएगा ये कोई काम। ये कह रहा है कि मैं एक घंटे
कैसे था, हम तो कब जाएंगे जब मरीज हमें रिपोर्ट करेगा। 15 मिनट आई है, उसके साथ साथ मैं चली गई। क्या डिलीवरी उसकी गाड़ी में हुई थी या जब आप पहुंचे? मैं गई तो हेड आ गया, सिर आ गया था, मतलब क्या पोजिशन है बच्चे की? सही है, बच्चा जच्चा दोनों सही है। एक्चुअली क्या मेरे पास 2 मरीज ऑलरेडी भर्ती किए थे, एक बच्चा वार्ड में गया, एक लेबर रूम में गया, दोनों ही सीरियस थे। उन्होंने कहा पहले उसको देख लो आप, तो मैंने कहा भैया ये भी सीरियस है, आप ले आओ मरीज, मैं देख लूंगा और आप तुरंत भर्ती कर दूंगा, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। तेलीबंगा में सरकारी अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक मरीज का पैर काटने की नौबत आ पड़ी है। पीड़ित का परिवार इंसाफ के लिए दर दर के ठोकरे खा रहा है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मामला सरावाला ग्राम पंचायत का है, जहां पर 26 अगस्त को सड़क हादसे में घायल मखनपुरी को इलाज के लिए लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने घाव को साफ किए बगैर ही मरीज के पैर पटाखे लगा दिए, जिस वजह से इन्फेक्शन हो गया। मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। मखनपुरी ये घर में कमाने वाला अकेला सदस्य था, जो कि अब लाचार है। पीड़ित के परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक मदद देने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने देख के किसी ना कोई साफ किया, टांके जख्म से ना कोई धोता है, इन्होंने दस में टांके लाते, सू घर भेजता ताकि रात को दर्द हो, सुबह फिर उसके पास गए। उन्होंने बोला भी कोई हड्डी फ्रैक्चर होगी। बंसल जी आए, उसने सफाई नहीं करी बिल्कुल ही। अगले दिन बंसल जी आए, उसने देखा नहीं है, उसने सिर्फ रेफर काटते के थे हनुमानगढ़ भेजता सानू जी। डॉक्टर साहब कहते जी इसका पहली बार तो इसको पैर काटना ही पड़ेगा जी। इतनी नौ बता गया, फिर अब देखो क्या होता है। ऐसे हमारे द्वारा यहाँ पर जो भी ड्यूटी पे स्टाफ था, जो भी डॉक्टर था, उसके द्वारा उसका प्राथमिक उपचार करके उसे रेफर कर दिया गया। हमारे पास ऐसे 2 दिन या हमने उसको भर्ती नहीं रखा। यदि कोई लापरवाही की शिकायत है तो ऐसा हमारे स्तर पर ऐसी कोई लापरवाही नहीं। और अब खबर सीकर के लक्ष्मणगढ़ से। लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके के हपास गांव के पास एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित से दुष्कर्म के आरोपी भी नाबालिग हैं, जैसे लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने एएसपी प्रकाश शर्मा ने बताया कि आरोपी पाटोदा गांव का रहने वाला है। वहीं पीड़िता को एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। लक्ष्मणगढ़ में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है और उसके फादर ने FIR लॉन्च कराया है। FIR में जो नामजद मुलजिम है उसको रात को ही हिरासत में ले लिया गया और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। धौलपुर के महिला पुलिस थाने में एक नाबालिग ने 3 युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल कराकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नाबालिग मध्य प्रदेश के सरायछोला थाना के पास गांव पिपरही पूरा के रहने वाली है और वो अपनी मां के साथ धौलपुर के गांव जाटौली में आई हुई थी। कुछ दिन बाद मां तो गांव लौट गई और नाबालिग यहीं रुक गई, जिसके बाद बीते 18 सितंबर को उसके गांव पिपरही का पूरा का एक युवक सतीश उसके पास आया और उसके पापा के एक्सीडेंट की बात कहकर उसको बाइक से ले गया और उसके बाद युवक ने अपने 2 साथियों के साथ नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। खबर झुंझुनू के बुराना गांव से, जहां पर एक 15 साल के नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक रविवार को बुराना निवासी एक महिला ने थाने में अपने बेटे के गायब होने की रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि लड़की तलाश उसकी शुरू कर दी गई है और वह पिलानी के झेरली गांव में लालपुर निवासी एक युवक के साथ खड़े हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराया और मामले की जांच कर रही है। रावसर में मामूली विवाद के चलते एक शख्स की ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद मृतक के बेटों ने आरोपी के साथ मारपीट की। आरोपी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एनजीएम तिराहे के पास रहने वाले तुच्छाराम के बेटों और भादराम बाबरी के बीच आवारा पशुओं को लेकर कहासुनी हो गई थी। तुच्छाराम ने भादराम को समझाने की कोशिश की तो भादराम ने उसे ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। तुच्छाराम की मौत के बाद उसके बेटों ने भादराम की पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल भादराम के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तुच्छाराम के खेत के पास ही था, तो उसमें भादराम पीछे ट्रैक्टर लेके आया, अपना अर्जुन ट्रैक्टर लेकर गया है, उसने ट्रैक्टर इसके ऊपर चढ़ा के तुच्छाराम के ऊपर इंटेंसली मारने के लिए ट्रैक्टर चढ़ा के उसको मार दिया। तो जब इसके परिजनों को जानकारी हुई कि इस प्रकार से घटनाक्रम ये हो गया, इसने बादराम ने तुलसीराम को मार दिया है, तो उन्होंने इसको पीट पाट के मार दिया और ट्रैक्टर को भी ट्रैक्टर को भी
लाठियों से या जिसको और साधनों से उसको नुकसान पहुंचाए। खबर धौलपुर से, जहां पर कोतवाली थाना इलाके के पुराने सलाय मोहल्ले में रविवार देर रात दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हो गए। सभी घायलों को धौलपुर के जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों के भी लाठी डंडे चल गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जमीन विवाद को लेकर नैनवा एसडीओ और धुवाला पूर्व सरपंच के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़े में पूर्व सरपंच समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पूर्व सरपंच को राजकीय अस्पताल देवली में कराया गया भर्ती और दोनों पक्षों ने मामले में एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। दरअसल पूर्व सरपंच ने नैनवा एसडीओ को कुछ साल पहले 15 बीघा जमीन बेची थी और उसी जमीन के पास की दूसरी जमीन को लेकर दोनों के बीच में लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और इसके चलते रविवार को भी दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया और इस बारे में पूर्व सरपंच ने एसडीओ समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और मेरे को कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया कि तेरे ये आउंटेन आर्मी कोटे से कर दिया जाएगा, यह आदेश मारा जो। और मैं सन 2008 से मैं 91 की पेलेंटी देते आ रहा हूँ, तो भी कल मेरे ऊपर उसके औरतें तीन दो औरतें उसके खुद औरतें और 3-4 आदमी उसके, वो मेरे को आकर के खुद एसडीएम ने मेरे सिर पर मारा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम बड़ी कार्रवाई करते हुए किशनगढ़ के गांधीनगर थाने में तैनात एएसआई भवरलाल मुंडोलाव को 3,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल 18 सितंबर को परिवादी मदन सिंह ने एएसआई भवरलाल के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि एएसआई ने परिवादी से झगड़े का मामला निपटाने के लिए 4,000 की रिश्वत मांगी है। परिवादी ने 1,000 रुपये पहले ही दे चुका है और दूसरी किश्त के तौर पर एएसआई ने 3,000 रुपये की मांग की। सोमवार को एएसआई ने पीड़ित को थाने के बाहर चाय वाले को पैसे देने के लिए, पीड़ित ने चाय वाले को पैसे दिए। जैसे ही चाय वाले ने आरोपी एएसआई भवरलाल को पैसे दिए, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गुलाबी नगरी में ठगों ने चारों तरफ अनवजाल बिछा रखा है। ताजा मामला मोहाना थाना इलाके का है, जहां पर एक ठग ने अपने ही परिचित को 45 बीघा जमीन बेचने का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, जिसके बाद पीड़ित ने मोहाना थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम का गठन किया और आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे हरमाड़ा थाना इलाके में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर प्रदेश में अलग अलग थानों में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अपने 5 साथियों के साथ मिलकर वो प्रदेश में कई लोगों को करोड़ों का चूना लगा चुका है। अब पुलिस आरोपी की निशानदेही पर उसके साथियों की तलाश में लगी हुई है। और अगली खबर फतेहपुर से, जहां पर सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक पर स्कूल में शराब और सिगरेट पीने का आरोप लगा है। मामला कानसर गांव का है, जहां पर सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक की करतूतों से नाराज छात्रों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। छात्रों ने प्रधानाध्यापक को हटाने की मांग की और छात्राओं का आरोप है कि आरोपी टीचर स्कूल में शराब और सिगरेट पीता है, छात्राओं के साथ अश्लील बातें करता है और स्कूल में टीचर्स की कमी भी लगातार बनी हुई है। छात्रों ने आरोपी प्रधानाध्यापक को हटाने के साथ ही स्कूल में टीचर्स की तैनाती करने की भी मांग की। प्रिंसिपल हमारे साथ बहुत ही दूर व्यवहार करते हैं और हमें कहते हैं कि 2 से 5 बजे तक मेरे पास आओ और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और उसी रिश्वत भी लेते हैं महीने के 100 रुपये और सिर्फ लड़कियों को बोलता है और वो भी ना नहीं देगा पैसे तो उसे ना टीसी कार्ड के यहाँ से चला जाना होगा। जब हम बुलाए प्रिंसिपल बुला के मेरे कंधा पर कंधा लगा और जब तक मैं ड्यूटी लगाऊंगा और नहीं मैं ड्यूटी नहीं लगाऊंगा। और अगले खबर जोधपुर से, जहां पर बहुचर्चित सलमान खान आर्म्स एक्ट मामले में सिजिम कोर्ट में दोबारा गवाहों के बयान दर्ज होने थे, लेकिन गवाह शिवचरण कोर्ट नहीं पहुंचा, जिसके चलते सुनवाई टाल दी गई। अब कोर्ट ने शिवचरण को 23 सितंबर की तारीख दी है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने सलमान की याचिका पर राहत देते हुए 5 गवाहों के बयान दोबारा दर्ज कराने की अनुमति दी थी। सलमान के विरुद्ध जो अवैध हत्यारों का प्रकरण विचाराधीन है, उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार गवाहों को तलब किया गया था। आज शिवचंद बोहरा को तलब किया, लेकिन शिवचंद बोहरा के अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण आज की डेट एडजोर्न होकर 23 सितंबर को गई है, क्योंकि ऑलरेडी 23 सितंबर को प्रकरण में डेट फिक्स है।
और अब अहम खबर के जयपुर से अहम खबर, विधानसभा में मोबाइल से वीडियो लेने का पूरा मामला है। चौहान के खिलाफ दर्ज हो सकता है मामला, विशेषाधिकार हनन का दर्ज हो सकता है मामला। कांग्रेस विधायक अशोक चांदा ने लिया था वीडियो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वीडियो में गृह मंत्री को सोता हुआ दिखाने की कोशिश की गई है। अहम खबर में आपको बता दें कि वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसके चलते यहां पर विशेषाधिकार हनन का केस बन सकता है अशोक चांदा के खिलाफ। हम आपको बता दें कि पूरा मामला कल का है, जब यहां पर विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ था। चौथा दिन था कल मानसून सत्र का। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं और जो विधायक हैं, यहां पर हम आपको बता दें कि लगातार हंगामा कर रहे थे और उसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। ये जो वीडियो बनाई है अशोक चांदा ने बनाया है और कांग्रेस विधायक अशोक चांदा ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। और इसी बारे में आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पीयूष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, यहां पर बताया जा रहा है कि विशेषाधिकार के हनन के चलते अशोक चांदना पर कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जो विधानसभा की जो नियम है, सदन के भीतर किसी भी तरह की कोई भी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है बिना परमिशन के, क्योंकि कल जिस तरह की घटनाक्रम हुआ, हंगामा चल रहा था और अशोक चांदना जो कि कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने सेल्फी लेने का प्रयास करा, अपने जेब से मोबाइल निकाला और फोटो खींचना और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान जब विधानसभा के आसन पर विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र मौजूद थे, तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद सबसे विधायक दी थी अशोक चांदना को कि इस प्रकार की जो घटना है वो ना करे, कहीं ना कहीं जो सदन की जो गरिमा है वो उससे प्रभावित होती है और आइंदा यदि वो ऐसा करेंगे तो कोई कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उन्होंने मोबाइल जेब में रख लिया, लेकिन उसके बाद जब वो सदन से बाहर आए, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई दूसरे दिन के लिए, तो दूसरे दिन उससे पहले देर रात तक अलग अलग जो सोशल मीडिया के ग्रुप बने गए, व्हाट्सएप के जो अलग अलग ग्रुप बने गए, उसमें ये पूरा वीडियो वायरल हो गया। उस वीडियो में बकायदा गृह मंत्री को डाइस पर सर रखकर लेते हुए बताया गया है। हालांकि ये पूरी आंखों की देखे की बात है कि उस समय जब हंगामा चल रहा था तो गृह मंत्री उस दौरान जब आनंद पाल फरारी को लेकर मांग उठी थी, जांच की मांग उठी थी माणिक सिंह सुराना की ओर से, तो शोरगुल के बीच में आवाज सुनने के लिए उन्होंने डाइस पर जहां पर की स्पीकर लगा होता है वहां पर अपने कान रखकर लेते थे ताकि वो आवाज सुन सके, और इसी दौरान एक वीडियो बना लिया गया और उस वीडियो को वायरल करके ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सदन में गृह मंत्री सो रहे थे, जबकि ऐसा स्थान है। अब ये वीडियो क्योंकि वायरल हो चुका है तो जो सदन के नियम है, विधानसभा के जो नियम है, उसके आधार पर आज विधानसभा के भीतर कोई भी सदस्य अशोक चांदना के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकता है और निश्चित तौर पर यदि इसमें प्रस्ताव आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी। बिल्कुल, यहाँ पर अशोक चांदना को क्या क्या सोचकर चुनकर यहाँ पर जनता ने भेजा है विधानसभा में और वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष शर्मा हमसे जुड़ने के लिए। अलवर में ठगों ने फर्जी कंपनी के जरिए लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा दिया है। ठगों के फरार होने के बाद पीड़ित लोग पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं। पीड़ितों ने बताया कि एक फर्जी कंपनी के संचालक ने उन्हें राशि की दुगुनी करने का लालच दिया और 250 लोगों से करीब 1 करोड़ रुपए लेने के बाद कंपनी का संचालक और कंपनी बंद कर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित लोग कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दो सौ 50 ग्राहकों को ठगा गया है और उसमें जो फ्रेंचाइजी जिनके पास थी, सैम ट्रेडर्स के नाम से हरिकेश यादव था जिसका संचालन वो कर रहा था, उसने 250 आदमियों से जनवरी से लेकर मार्च मई मंथ तक कम से कम 8,000 रुपए से सिक्योरिटी से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी ली। दो चेक आने के बाद कम पेमेंट का है वो भी बाउंस हो गए और वो कंपनी जो सैम ट्रेडर्स है वो अब फ्रेंचाइजी छोड़ के भाग गया है। खबर डीडवाना से, जहां पर कोलिया गांव में एक निजी बस बेकाबू होकर पलट गई जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम तहसीलदार और डीडवाना थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से राजकीय बाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं होने की वजह से कई घायलों को रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद से ही बस का ड्राइवर मौके से फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। उधर जयपुर में सड़क हादसे से दो बाइक सवारों की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। हादसा दिल्ली बाईपास के पास हुआ जहां पर तेज रफ्तार से आ रही बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दो बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस का ड्राइवर और कंडक्टर बस छोड़कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
भरतपुर में झूलते तार बिजली के लोगों की परेशानी का वजह बने हुए हैं। अब आए दिन हादसों का सबब भी बन रहे हैं। ताजा मामला चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव नगला हथियनी का है, जहां पर बिजली के तार अचानक एक महिला और उसके पोते पर आकर गिर पड़े, जिसमें महिला की मौत हो गई। उसका 4 साल का पोता गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को करंट के जंगल से उठाया और दोनों को आरबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया और घायल बच्चे को जयपुर रेफर कर दिया। घटना से नाराज लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी का प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग से कई मरतबा शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्रीगंगानगर में ओवरक्राउड बसों के चलने का सिलसिला जारी है। ये बसें इस कदर भरी होती हैं कि सवारियां बस की छतों पर बैठकर सफर करती हैं। ऐसी बसों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय परिवहन महकमा हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। तमाम आदेशों के बावजूद यात्री बसों की छतों पर यात्रा कर रहे हैं। सोमवार को भी बस की छत पर यात्रा कर रहे तीन यात्री बिजली के तार से टकरा गए। गनीमत रही कि इस वक्त बिजली सप्लाई बंद थी, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है।